जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल टोटल ट्रेन इन्फो पर स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और रेलवे की लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 02496 प्रताप सुपरफास्ट किराया विशेष ट्रेन की पूरी जानकारी। यदि आप लोगों में से किसी ने इस ट्रेन में सफ़र किया है तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, कई बार वीडियो अपलोड करने के बाद ट्रेन का समय बदल जाता है, इसलिए लेटेस्ट समय सारिणी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह ट्रेन कहां से कहां तक चलती है, किस रूट से होकर जाती है, किस किस स्टेशन पर रुकती है, इस ट्रेन में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, इस प्रकार की सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। यह ट्रेन कोलकाता और बीकानेर जंक्शन स्टेशन के बीच शुक्रवार को चलती है। ट्रेन 19 स्टेशनों पर रुकते हुए कुल 1888 किलोमीटर की दूरी लगभग 31 घंटे में पूरी करती है। इस ट्रेन की औसत स्पीड 61 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब मैं आपको इसके कोच कंपोजिशन के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग कोच का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको लोकोमोटिव की जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों प्रकार के लोकोमोटिव का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको ट्रेन के रूट की जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले कोलकाता स्टेशन पर आकर रुक जाती है और रात 10:45 पर रवाना होती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट बर्धमान जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन मध्य रात्रि 12:07 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट दुर्गापुर स्टेशन है और यहां ट्रेन मध्य रात्रि 12:58 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट आसनसोल जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन रात 1:31 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट धनबाद जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन रात 2:50 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पांचवा हॉल्ट कोडरमा जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 4:28 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का छठवां हॉल्ट गया जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 5:55 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 8:50 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का आठवां हॉल्ट प्रयागराज जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 11:30 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का नौवां हॉल्ट कानपुर सेंट्रल स्टेशन है और यहां ट्रेन 2:05 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दसवां हॉल्ट टूंडला जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 5:25 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का ग्यारहवां हॉल्ट आगरा किला स्टेशन है और यहां ट्रेन 6:00 पहुंचती है। यहां ट्रेन 25 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का बारहवां हॉल्ट अछनेरा जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 6:58 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तेरहवां हॉल्ट भरतपुर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 7:22 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौदहवां हॉल्ट बांदीकुई जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन रात 9:40 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पंद्रहवां हॉल्ट जयपुर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन रात 11:00 पहुंचती है। यहां ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का सोलहवां हॉल्ट मकराना जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन मध्य रात्रि 12:55 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का सत्रहवां हॉल्ट देगाना जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन रात 1:30 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का अठारहवां हॉल्ट नागौर स्टेशन है और यहां ट्रेन 3:36 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 19वां हॉल्ट नोखा स्टेशन है और यहां ट्रेन 4:22 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 20वां और आखिरी हॉल्ट बीकानेर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 5:35 पर पहुंचती है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में किराए से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि किराया हर स्टेशन से अलग अलग होता है और समय समय पर किराए में बदलाव भी होते रहते हैं। इसलिए किराए की जानकारी के लिए आप रेलवे की ऑफिशियली साइट irctc.co.in पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, यदि आपका इस वीडियो और ट्रेन से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझसे करीब से जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टोटल ट्रेन इन्फो। आपको कौन सी ट्रेन पसंद है या किस ट्रेन की जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उस ट्रेन का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।